अरे मैं आपको एक इटली के कहानी सुनाने वाला हूँ, ठीक है? चलो इस कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक इटली थी जो अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी। वो हमेशा किसी भी तरह के घर को छोड़कर कहीं भी जाओ नदी के पार घासों के बीच खेलती रहती थी। एक दिन वो कहीं जंगल में चली गई और वहाँ खो गई। एक दिन वो कहीं दूर आ गई और खो गई। वो के घर का रास्ता ढूंढने लगी और उसे नहीं मिली। वो घर का रास्ता उसे नहीं मिला कहीं और कभी भी नहीं। वो गई ना चीटी के रास्ते में, उसे छोटी सी चीटी मिली और कहा, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे घर को नहीं जानती। तो वो गई ना मकड़ी के पास और कहा, मकड़ी ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? और बटरफ्लाई ने कहा, मैं तुम्हारा घर खो चुकी हूँ। उसके बाद मकड़ी ने कहा, मैं तुम्हारा घर नहीं जानती। तो वो गई ड्रैगन फ्लाई के पास और कहा, ड्रैगन फ्लाई ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? इटली ने कहा, मैं अपना घर खो चुकी हूँ। उसने एक योद्धा बनाई। उसने कहा, तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सही सलामत घर पहुंचा दूंगी। तो इटली ड्रैगन फ्लाई के पीठ पर बैठ गई और ड्रैगन फ्लाई इटली को उसके घर पहुंचा दी। वो इटली ने ड्रैगन फ्लाई का स्वागत किया तो उसकी माँ से लेकर खुश हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात हर रोज मानूंगी और कभी भी कहीं सलामत से अपने घर से कहीं दूर नहीं जाऊंगी। मामा, मैं तुम्हारी बात हर रोज सुनाना चाहती हूँ। और उसके बाद से गले लगा दी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख?